हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है अल्टरनेटिव लॉजिक गेट कह सकते हैं से, और बबल गेट जिसे कहते हैं लॉजिक गेट। बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और चीज़ों को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम होती है। चलिए आज हम सॉर्ट आउट करते हैं सारी प्रॉब्लम को, ठीक है। तो लॉजिक गेट तो आपने पढ़ा था, लॉजिक गेट था क्या क्या था आपने पढ़ा था? बिल्डिंग ब्लॉक था एक डिजिटल सर्किट का, ठीक है, इसी सर्किट का। फिर आज हम देखेंगे कि तीन पार्ट में डिवाइड होता है लॉजिक गेट, जिसमें आ जाता है बेसिक लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट एंड अदर लॉजिक गेट, ठीक है। बेसिक लॉजिक गेट में हम एंड नॉर और नॉट देख लेते हैं, एंड और नॉट गेट देख लेते हैं, और यूनिवर्सल गेट लॉजिक गेट में हम नैंड और नॉट देख लेते हैं। और हम अगर देखते हैं अदर लॉजिक गेट के बारे में बात करते हैं तो एक्सॉर और एक्सनॉर आ जाता है, ठीक है। अल्टरनेटिव लॉजिक गेट का मतलब क्या कहना हुआ, ठीक है, फिर हम समझेंगे। अल्टरनेटिव लॉजिक गेट इज द अल्टरनेट लॉजिक गेट दैट प्रोड्यूस द सेम आउटपुट एज द ओरिजिनल लॉजिक गेट। ये क्या करता है अल्टरनेटिव लॉजिक गेट में, क्या होता है, ये सेम आउटपुट प्रोड्यूस करता है जैसा कि लॉजिक गेट में करता है, ठीक है। एंड का अल्टरनेटिव गेट का आउटपुट दोनों सेम होता है, ठीक है। कैन यूज ड्यूरिंग द अनअवेलेबिलिटी ऑफ ओरिजिनल लॉजिक गेट टू सर्व द सेम पर्पस, ठीक है। बस इन लोगों का पर्पस और शायद डिफरेंट होता है, बट ये लोग अनअवेलेबिलिटी होती है लोगों की लॉजिक गेट्स में, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस हो सकता है, ठीक है। अल्टरनेटिव लॉजिक गेट इज ऑल्सो ना अल्टर गेट्स, अल्टर गेट्स भी कहते हैं इसको, हम बबल गेट्स भी कहते हैं, ठीक है। बबल नाम क्यों है, बबल इस गोले जो आप दिख रहा है ये एंड गेट है, ठीक। और ये जो बन गया है, ये बना हुआ है, इसे हम अल्टरनेटिव गेट जो बना है इसमें बबल निकल के आया है। देखिए जहाँ इसमें चीजें ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें जो पॉइंट्स बहुत मैटर करता है, कि अल्टरनेटिव गेट जब भी बनाइए तो जो एंड हो वो नैंड की तरह उसका डिजाइन हो, मतलब सॉरी एंड का डिजाइन जो हो और की तरह हो, उसकी उसके कर्व उसके बैक साइड कर्व होना चाहिए, ठीक। और जो और हो उसका जो डिजाइन है अल्टरनेटिव गेट में वो एंड की तरह होना चाहिए, मतलब स्ट्रेट उसके बैक साइड स्ट्रेट होनी चाहिए। और जिसमें बबल ना हो, दूसरा पॉइंट ये था कि जिसमें बबल ना हो वहां पे बबल दिखा दो। जैसे कि ये देखिए एंड एंड गेट है, ये वाला सबसे ऊपर वाला पहला वाला एंड गेट है, और इसका जो अल्टरनेटिव गेट बना है इसकी वो देखिए जरा, इसकी आउटपुट साइड में भी डबल डबल बबल बने हुए हैं और आगे भी बबल बना है, क्योंकि इधर साइड बिल्कुल बबल नहीं बना है। फिर नीचे देख लीजिए और नाइन गेट है, नाइन गेट में देखिए आगे बबल बना हुआ है, तो इसमें अल्टरनेटिव गेट्स में क्या है, बबल बैक साइड बना है, क्योंकि आगे बनना ही नहीं है क्योंकि आगे बबल दिया हुआ है। तो बस ये ध्यान रखना कि जहां जहां बबल है वहां वहां बबल नहीं होगा, और एंड नैंड मतलब एंड जो होगा वो और की तरह दिखने में होगा, ठीक है। ऐसे देख लीजिए और हुआ, सॉरी ये कुछ हुआ प्रॉब्लम आई गेस। हाँ देखिए एंड थोड़ा सा चेंज भी हो गया, रुकिए जरा सही कर देते हैं। ये ऊपर था, ये है नैंड गेट और ये है और, ठीक, और गेट है और ये है नॉर गेट और ये है एग्जॉर गेट, एक्सैंड गेट, ठीक। तो हाँ देखिए इसमें क्या है, और गेट में इसमें बबलिंग नहीं दी गई, इसमें बबल दे दिया गया है। इसमें नॉर गेट में भी देखिए इसमें बबल नहीं है बैक साइड में, इसमें बैक साइड में बबल दिया, आगे क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट था, ठीक है। और नॉर में भी, एग्जॉर में देखिए, एग्जॉर में क्या होता है, एग्जॉर में यही होता है कि एग्जॉर में देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इसमें आगे होगा मतलब ए में होगा और आगे आउटपुट में होगा, इसमें क्या होता है, इसमें बी में होता है, ठीक, एग्जैंड में। अब इसका रूल्स वही मैंने बताया क्या रूल्स होता है, ठीक है। एंड और नैंड और नॉट का गेट का अलग ही होता है, ठीक है। अभी हम इसमें देखेंगे कहाँ गया, यहाँ पे हम अपना देखेंगे। हाँ तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग देख रहे थे इसका रूल्स क्या होता है, रूल्स नैंड एंड और नॉट की गेट्स की एकदम सिमिलर होता है, और थोड़ा सा रूल्स जो होता है एक्सॉर और एक्सॉर नॉट एग्जॉर का जो होता है वो अलग थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू दिस, ओके। सो एंड नैंड और नैंड सॉरी एंड और नैंड नॉर का देखेंगे, इसमें क्या होता है, बोथ द इनपुट ऑफ अल्टरनेटिव गेट्स हैविंग द बबल, ठीक है, जो इनपुट होना चाहिए उसमें बबल होना चाहिए, और अगर आउटपुट में बबल नहीं है तो क्या होना चाहिए वहां पे बबल, मतलब कहने का मतलब जहाँ बबल नहीं है वहां बबल लगा दो। और इसमें क्या कहा है, एंड स्ट्रक्चर, मैंने बोला ना
एंड एक स्ट्रक्चर किसकी तरह दिखना चाहिए, और स्ट्रक्चर दिखना चाहिए, और स्ट्रक्चर जो है वो जो है एंड स्ट्रक्चर तरह दिखना चाहिए, ठीक है। इफ द बबल इज प्रेजेंट एट द आउटपुट ओरिजिनल गेट, अगर बबल आउटपुट ओरिजिनल गेट के पास प्रेजेंट है, देन नो बबल विच प्रेजेंट एन आउटपुट ऑफ अल्टरनेटिव गेट। सही बात है, यहाँ पे मैंने आपको ये दिखाया था कि यहाँ देखिए, यहाँ इनपुट, हाँ देखिए यहाँ पे देखिए इनपुट आउटपुट गेट के पास ये बबल प्रेजेंट है, तो यहाँ बबल प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे देखिए ऊपर देखिए, यहाँ पे बबल प्रेजेंट है, बबल नहीं प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे दोनों सब जगह बबल लगाया। सो मेनली कहने मतलब यही था, ठीक है। फिर इसके बाद द बबल इज नॉट प्रेजेंट आउट द आउटपुट ओरिजिनल, देन बबल इज प्रेजेंट एज द ओरिजिनल, मतलब कहने का मतलब यही था कि जो मैंने बोला वही था कि जहाँ प्रेजेंट है वहाँ वहाँ नहीं, मतलब हटा दो, और जहाँ प्रेजेंट नहीं है वहाँ लगा दो। ओके सो बहुत कंफ्यूज होता है, बोले मैं एग्जॉर इग्नोर गेट्स का देखेंगे। वन इनपुट सिंबल अल्टरनेटिव गेट्स हैज बीन बबल्ड, ठीक है, जस्ट सेम वही कहानी, सेम इसने बोला है एग्जॉर गेट का स्ट्रक्चर है तो उसको एग्जॉर गेट का स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दो, और अगर एग्जॉर गेट ओरिजिनल गेट है तो इसको एग्जॉर गेट में स्ट्रक्चर कर दो, और जो अगर प्रेजेंट नहीं है बबल, प्रेजेंट है बबल तो ये बबल मत प्रेजेंट करो, अगर प्रेजेंट नहीं है नॉट प्रेजेंट देन उसको बबल प्रेजेंट कर दो। एक्चुअली हम थोड़ा सा इसका वो देखते हैं वर्किंग, ओके वर्किंग मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश की। आई नो दैट थोड़ा सा राइटिंग गंदी है, वेल आप लोग को भी गंदी होती है, बट ड्राइंग में हमेशा गंदी ही बनती है वो, जब खुद से हाथ से लिखना हो तो। सो थोड़ा सा समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, बट प्लीज मैनेज। तो अगर देखते हैं कि ओरिजिनल गेट हम देखते हैं वो जो हमने देखा था वहाँ पे, ये एंड गेट हुआ, ठीक है, अल्टरनेटिव गेट, इसको जब एंड गेट है तो हम क्या कर देते हैं ए प्लस बी, ठीक है, जब नैंड गेट में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए ये बबल जहाँ पे लगेगा उसके ऊपर क्या हो जाएगा, ए डैश एक बार की तरह हो जाएगा, बी बार की तरह हो जाएगा, और ये आउटपुट देखिए ना ये है ना, इसकी वजह से इसके ऊपर होल बार हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम एक सिंप्लीफाई करेंगे, ए ए बार बी बार इज इक्वल टू, अब जब किसी भी लेटर के ऊपर डबल बार होता है तो हट जाता है, ये याद रखिएगा। तो डबल बार हुआ अलग अलग से, मतलब स्प्लिट हुआ तो ए डॉट बी आ जाएगा। अब देखिए आप और में नैंड में देखेंगे, नैंड में क्या है, नैंड में आगे ये बबल लगा हुआ है, बबल आगे लगा है इसीलिए इसमें पीछे लगा है, आगे नहीं लगा है, ठीक, यहाँ नहीं लगा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ए यहाँ पे कैसे कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, ए बार बी बार, उसको हम कैसे लिखेंगे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, क्या था, और की तरह रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ए डॉट बी, ये है। और अगर हम बात करते हैं और गेट की, तो और गेट कुछ भी नहीं, इसमें आगे भी कुछ नहीं लगा है, पीछे भी नहीं लगा है, इसलिए अल्टरनेटिव गेट में आगे बबल लग जाएगा और पीछे भी, सॉरी 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 ड्राइंग थोड़ा मिटा देते, आई गेस ड्राइंग नहीं मिटनी चाहिए, ओ सेट ड्राइंग मिट गई, सॉरी अब कुछ नहीं हो सकता। सो मैनेज, ओके मैनेज हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे बबल लग गया, ठीक। तो यहाँ पे हम कैसे कह सकते हैं, ए ए डॉट बी के फॉर्म में, क्योंकि ये और गेट है तो और गेट के फॉर्म में लिखेंगे, और यहाँ पे बबल है इसलिए ए पे बार लग गया है, और बी पे भी बार इसलिए लगा क्योंकि यहाँ बबल है, और होल बार इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे बबल है लास्ट एट द आउटपुट, ओके। तो इसको हम ये और है तो रिप्रेजेंट किस फॉर्म में होगा, एंड की तरह होगा, तो ये और जो डॉट है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और डबल बार में कन्वर्ट हो जाएगा। अब डबल बार हमने बताया था वो हट जाएगा और ये फॉर्म ले लेगा, ठीक। अब बात आती है नॉर की, नॉर भी मैंने बता दिया इसका, देखिएगा हाँ ये देखिए कर्व, ये याद रखिएगा ये कर्व है क्योंकि ये एंड है, इसमें इसका कर्व जो है चेंज हो जाएगा, और ये देखिए यहाँ कर्व है तो ये क्या होगा, एंड की तरह स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन, वही मैं बोल रही थी आपको, ठीक है। फिर इसके बाद नॉर की बात है, तो नॉर में क्या रहेंगे, ए और बी का जिस तरह से हम बता दिया, ये बबल लगा है इसलिए यहाँ बबल लग जाएगा, यहाँ बी पे है तो बी पे बबल लग जाएगा, और इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे किस फॉर्म में, नॉर में, ठीक है, मतलब और एंड गेट के फॉर्म, मतलब रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा, ठीक, क्योंकि डॉट साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। अब आता है एग्जॉर, एग्जॉर का क्या था, एग्जॉर जो है एग्जॉर की तरह दिखता है, ठीक है, तो ए डॉट ए एग्जॉर बी, ठीक है, बी क्यों, क्योंकि बी पे बबल लगा है, सॉरी ये गलती से इसमें मिस्टेक है डायग्राम में, सो बी पे बबल लगेगा, ठीक। तो ये क्या हुआ, एग्जॉर की ये फॉर्मूला है कि ए जैसे क्या होता है, ए डॉट बी बार प्लस ए डॉट बी का होल बार, ठीक, ये होता है
फिर डबल होल बार हट जाएगा, डबल होल बार हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिंपली ए बी बार प्लस ए बार बी, ओके। और एक्सैंड, एक्सैंड में क्या होता है, ए एक्सैंड बी लगा देंगे, और सॉरी सॉरी अरे गलती हो गया सॉरी, फिर इसमें हम क्या हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला होता है ए ए बार डबल बार ए का डबल बार डॉट बी प्लस डी बी बार ए बार, तो ए ए का ए बार क्या हो हट जाएगा, ए डॉट बी प्लस बी का ऊपर बार प्लस डॉट ए बार, ठीक है। सो ये समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा, प्लीज मेरे मेरी मेहनत को वेस्ट मत करिएगा। सो आपको समझ में आया, इसको कॉपी में हो सके तो लिखिएगा, तो उससे आपको और अच्छे समझ में आएगा, और बस इतना ही है एग्जाम अल्टरनेटिव गेट में। सो थैंक यू गाइस, इतना काफ़ी था इसमें समझाने के लिए, सो थैंक यू सो मच एंड स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस एंड एनर्जेटिक हमेशा रहिए, और गेट की तैयारी करिए और आराम से पढ़िए, और कुछ भी प्रॉब्लम आए उसको रिजॉल्व करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।